फाइव पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं टैक्सेशन भी अभी शुरू है तो उसके बेसिस पे ये हमारा पार्ट फोर है जिसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको पेपर में कोई भी टाइप का एम पूछा जाए तो आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा तो शुरू करते हैं आज का सेशन एंड दिस इज द पार्ट फोर ऑफ टी वाई बी कॉम कॉस्टिंग एमसीक्यू सीरीज तो क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने लेबर कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरियंस क्या है एल सी वी एल सी वी का फॉर्मूला क्या होता है तो एल सी वी कॉस्ट है देखो लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इन दोनों वेरिएंस को अगर हम एक आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा जैसे कि स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट एक ब्रैकेट में आएगा माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा लेबर कॉस्ट वेरियंस तो लेबर कॉस्ट वेरियंस का इनमें से फॉर्मूला कौन सा है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट right आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज लेबर कॉस्ट वेरियंस इक्वल टू स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो इसका राइट right आंसर बनेगा एस एच इन टू एस आर माइनस ए एच इन ए आर नेक्स्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज टेन थाउजेंड So क्वेश्चन में आपको क्या करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको करना है सबसे पहले फॉर्मैट सेल्स लिखना है माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट ठीक है हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट अभी देखते हैं देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया है सेलिंग प्राइस इज़ टेन थाउजेंड तो मैंने टेन थाउजेंड लिख दिया वेरिएबल कॉस्ट है हमारा फोर थाउजेंड तो हमने फोर थाउजेंड लिख दिया टेन माइनस फोर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा सिक्स थाउजेंड यहाँ पर प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट आपको दिया है टू थाउजेंड तो ये प्रॉफिट और कॉन्ट्रीब्यूशन का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी और वो बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी वो बैलेंसिंग फिगर होगी फोर थाउजेंड जो आपका फिक्स कॉस्ट है तो राइट right आंसर इसका क्या बनेगा राइट right आंसर इसका बनेगा फोर थाउजेंड तो फोर थाउजेंड विल बी द फिक्स कॉस्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कॉस्टिंग टेक्निक दैट अ स्टिप्युलेटेड प्रॉफिट वेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एज इट्स एस्टिमेटेड मार्केट ड्रिवन प्राइस इज टर्म्ड एस तो ऐसे टेक्निक को क्या कहते हैं बेसिकली हम पहले से ही प्राइस डिसाइड करके रखते हैं कि इतने प्राइस में ही हमें प्रोडक्ट को बनाना है जैसे आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो नैनो कार तो नैनो कार के लिए टाटा ने क्या किया था टाटा ने यह सोचा था कि मैं एक लाख के अंदर कार प्रोवाइड करने वाला हूं तो सबसे सस्ती कार ऐसे मार्केट में आई और एक लाख के अंदर मतलब उन्होंने क्या किया प्राइस पहले डिसाइड किया फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की ऐसे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टारगेट कॉस्टिंग तो ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं हम टारगेट कॉस्टिंग तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज टारगेट कॉस्टिंग तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जाते हैं द कॉस्ट वेरियंस इज कंट्रोलेबल वेन इट अराइजेस ड्यू टू ट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस नॉन कंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस मैनेजरियल या वर्कर्सिशंसी तो कॉस्ट वेरियंस इज कंट्रोलेबल वेन इट अराइजेस ड्यू टू कंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस कौन से सर्कमस्टेंसेस कंट्रोलेबल जो हम कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है थीके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं मटीरियल कॉस्ट वेरियंस इज फेवरेबल देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मैं आपको बताता हूँ एमसी ठीक है क्या होता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस दूसरे ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस ये आपका फेवरेबल कब होगा ये आपका फेवरेबल कब होगा एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मोर देन एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट तो राइट आंसर है इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट जब जब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होगी आपके एक्चुअल कॉस्ट से मतलब ये जो फर्स्ट हम लिख रहे हैं ये अगर बड़ा है, अगर ये समझो टेन थाउजेंड है और ये आपका नाइन थाउजेंड है तो आपको आंसर मिलेगा वन थाउजेंड फेवरेबल अगर ये आंसर नेगेटिव आएगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी बड़ी अमाउंट रहेगी एक्चुअल कॉस्ट आपकी कम अमाउंट रहेगी तो आपको नेगेटिव मिलेगा दैट इज कॉल्ड एस Unfavorable. तो unfavorable नहीं है यहां पर फेवरेबल बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मोर देन एक्चुअल नंबर सिक्स देखते हैं मटीरियल सप्लाइड टू साइट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मटीरियल अकाउंट कॉस्ट सेंटर अकाउंट पर सेंटर तो बेसिकली मटीरियल सप्लाई टू द साइट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट इट इज डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहाँ पे डेबिट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है इफ़ कैश रिसीव्ड इज रुप फोर लैक्स एंड परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड इज एटी परसेंट देन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड विल बी देखो वर्क सर्टिफाइड अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला है कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव ठीक है क्या है फॉर्मूला कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव तो आपका कैश रिसीव्ड कितना आपका कैश रिसीव्ड है फोर लैक्स और आपका परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड कितना एट्टी परसेंट तो फोर लैक्स डिवाइडेड बाई एट्टी परसेंट यू विल गेट दी आंसर एज रुपीज फाइव लैक्स कितना आ जाएगा आंसर

एक आपका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स और दूसरा आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर क्या होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर पे आपको प्रॉफिट दिया है एक लाख और आपका पीवीआर भी आपके पास अवेलेबल है फोर्टी परसेंट अगर हम एक लाख को फोर्टी परसेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा टू फिफ्टी थाउजेंड जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाए नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकल ही है इफ फिक्स कॉस्ट इज रुपीज थ्री लैक्स प्रॉफिट इज रुपीजन लैक एंड पीवीआर इज फोर्टी परसेंट एन द वैल्यू ऑफ सेल्स विल बी क्या पूछा है यहाँ पे सेल्स पूछा है तो रिक्वायर्ड सेल्स जो होता है वो आपको सॉल्व करना है फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर ठीक है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर तो फिक्स कॉस्ट कितना आपका फिक्स कॉस्ट दिख रहा है क्वेश्चन में थ्री लैक्स प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट आपका दिख रहा है वन लाख अगर थ्री लाख में वन लाख प्लस करेंगे और उसको अगर आप फोर्टी परसेंट से डिवाइड करोगे तो आपको रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगा एंड दैट विल बी टेन लाख कितना आ जाएगा टेन लैक्स आपका सही आंसर यहाँ पे बनेगा दैट विल बी रिक्वायर्ड सेल्स आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज पेपर में प्रैक्टिकल टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो तो आपके चैप्टर का जो बेस है चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है उससे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर टेन क्लोजिंग स्टॉक अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज वैल्यूड एट ओपनिंग रेट क्लोजिंग रेट कॉस्ट पर यूनिट या बेसिक रेट देखो हम अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम जब स्टॉक अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो सेकंड जो हमारा फर्स्ट लेजर होता है प्रोसेस का सेकंड हमारा प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनता है और प्रोसेस अकाउंट से जो भी आउटपुट रहता है वो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर होता है अगर हम प्रोसेस स्टॉक की बात करें तो प्रोसेस स्टॉक में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हम कौन से रेट से वैल्यू करते हैं तो वो हम क्या करते हैं वो हम कॉस्ट पर यूनिट जिसको हम शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट जो हमारा प्रोसेस का रहता है जैसे प्रोसेस ए का जो भी आपका सीपीयू रहेगा वही सीपीयू क्लोजिंग स्टॉक के लिए वैल्यू होगा वही सीपीयू हम प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट जब बनेगा तो वो प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक के लिए कौन सी रेट लेंगे कौन सा रेट लेंगे रेट लेंगे हम कॉस्ट पर यूनिट का जो हमारा सी है दैट इज द कॉस्ट पर यूनिट वो रेट हम लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टेन हो चुका है आई होप दिस क्वेश्चन आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू इसी तरीके से प्रिपेरेशंस करते रहेंगे इसी तरीके से कंसेप्ट को रिवाइज करते रहेंगे तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे वीडियोज का बेनिफिट मिल पाए ठीक है राइट आंसर कॉस्ट पर यूनिट थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम और उसमें सारे आपको पीडीएफ्स मिल मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम बेसिस पे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर